नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने रबी पंजीयन 2024-25 में अपना पंजीयन करवा लिया है, अगर नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट तारीख, गेहूँ के पंजीयन की लास्ट तारीख 1 मार्च है और चने के पंजीयन की तारीख 10 तारीख है, 10 मार्च। तो दो किसान भाइयों, अभी तक आपने नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लिए अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर अपने पंजीयन केंद्र पर, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि आपने कहीं पर भी अपना पंजीयन करवाया, आपको पावती नहीं मिली है, या तो उसके पास पेज खत्म हो गए हो या फिर प्रिंटर नहीं है, तो उसने बोल दिया आप स्क्रीन वो ये फोटो इस लीजिए, पर आपको पावती चाहिए, तो आप पावती कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कई समस्या आती। यहाँ पर ऐसा बताता, जब हम पावती डाउनलोड करते हैं तो 24-25 की जानकारी उपलब्ध नहीं है, कुछ इस प्रकार से आपको नोटिस आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सिंपल प्रोसेस आपको बताऊंगा, कोई आईडी पासवर्ड की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र में ई उपार्जन आपको सर्च कर देना है और यहाँ पर ई उपार्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 24-25 वाली जानकारी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, पर आपको यहाँ पर किसान पंजीयन आवेदन सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे सर्च करेंगे, इसे हम यहाँ पर आपको जिला चुन लेना है, तो जिला हम यहाँ पर चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला चुनने के बाद यहाँ पर अपना किसान कोड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जिला सिलेक्ट किया, किसान कोड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, अगर आपके पास किसान कोड नहीं है, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी प्रविष्ट करना है, कैप्चा फिल करना है और आपको किसान सर्च करें पर क्लिक करना है। किसान सर्च वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने पंजीयन करवा लिया है रवि 2024-25, पंजीयन की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं, इस प्रकार का आपका एक एरर देखने को मिल जाएगा। तो इस एरर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जिस किसान का एरर इस प्रकार से आ रहा है, उसका यहाँ पर आपको किसान कोड है, किसान कोड आपको पता नहीं है, पिछले वर्ष का जो आपको किसान कोड है वो सेम किसान कोड यहाँ पर रहेगा, किसान कोड कभी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो उस किसान का यहाँ पर हमें किसान कोड यहाँ पर जो है वो एंटर कर देना है। तो चलिए हम उसका किसान कोड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो जिस किसान के बारे में ऐसा एरर आ रहा है, उस पर सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका किसान कोड निकालना है। अगर किसान कोड पता नहीं है, पिछले वर्ष का पता नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना किसान कोड कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम किसान कोड इंटर कर देते हैं। किसान कोड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेम प्रोसेस रहेगी, किसान पर सर्च, किसान सर्च करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी ऐसा एरर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किसान कोड में गलती होगी, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा एरर देखने को मिलेगा। किसान कोड में लास्ट के अंक चेंज होते हैं केवल, बाकी सभी का प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। हमारा है 2341, यहाँ पर यह गलती होगी तो हम किसान जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पूरी जानकारी निकल कर आ चुकी है। आवेदन पर्ची प्रिंट करवा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा कोने में आवेदन पर्ची प्रिंट करने के लिए क्लिक करें, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो भी पावती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पॉपअप अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है, डन कर देना है। फिर से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो पावती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी पावती डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।